मित्रों, आप सभी ने यह अक्सर सुना ही होगा कि मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या माँ बाप के बुरे और अच्छे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल नरवाल मोटिवेशनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, आज बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक महान तप अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? तभी महात्मा ने कहा, हे देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है और उन्हें भगना पड़ता है। फिर महात्मा ने कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 रुपए मिलते थे, उसमें से वह 25 रुपए रोजाना दान करता था और बाकी 25 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। उस गरीब आदमी के परिवार में अब कुल 3 सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और एक लड़का। अब धीरे धीरे उनके पालन पोषण में उस आदमी को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, एक दिन की बात है, उस आदमी के लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप रोजाना 50 रुपए कमाते हैं जिसमें से आप 25 रुपए रोज दान कर देते हैं, और 25 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? उस आदमी को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी रोज 50 रुपए कमाते हैं और 25 रुपए दान कर देते हैं, यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया क्योंकि वह लड़का बहुत ही छोटा सा था। महात्मा ने कहा, हे देवी, इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और उस गरीब आदमी का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उस लड़की की उम्र 7 वर्ष की हो गई। इधर एक दिन वह आदमी काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक काला भैंसा आया और आकर उस गरीब आदमी को मारने लगा। उस भैंस के मारने की वजह से उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब उस आदमी की पत्नी और उसके लड़के को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन उस गरीब आदमी के लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारे पिताजी जी कहाँ चले गए हैं? उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 50 रुपए कमाते थे और 10 रुपए की बचत करते थे, तो हमारा पालन पोषण उसी 15 रुपए में बचत में हो जाया करता था। पर अम्मा, हमारा पालन पोषण कैसे होगा, कैसे हमारा पेट कैसे भरेगा? फिर माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है, उससे सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय भगवान के, क्योंकि वही जो गरीबों के सहायक होते हैं। फिर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा, हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे साथ अवश्य भेज देंगे, हमारे पिताजी को मेरे साथ अवश्य भेज देंगे। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, उस छोटे से बच्चे की बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी की पत्नी अपने लड़के को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई, और उधर जो उसका लड़का था उसने मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूँ और अपने पिताजी को लेकर आता हूँ। ऐसा सोचकर वह लड़का अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से चल देता है। उस लड़के को चलते चलते काफी समय बीत गया, फिर उसे थकान का अनुभव हुआ और वह एक बहुत ही विशाल आम के पेड़ को देखकर उसकी छाया में जाग के बैठ गया। तभी उस आम के पेड़ ने मनुष्य की आवाज में कहा कि बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ।
उस आम के पेड़ ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने कहा कि बेटा, तू मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्त नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे जाता है और चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प को देखकर वह लड़का डर के मारे कांपने लगा और वहां से भागने ही वाला था, तभी वह सर्प मनुष्य की आवाज में वाला था तभी वह सर्प मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, बेटा तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। वह लड़का उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नागरा, मैं गरीब आदमी का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। उस सर्प ने कहा कि बेटा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहां पर पड़ा हुआ हूं, मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर कर वह लड़का आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान ने कहा कि बेटा, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। फिर उस किसान ने कहा कि तुम यमराज से मेरा एक प्रसन्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहां पर एक बावड़ी खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से इस बावड़ी में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी पार्वती। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह लड़का तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बत्तख आई और कहने लगी, बेटा तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तब उस लड़के ने कहा कि मैं गरीब आदमी का बेटा हूं और मैं यमराज के पास मेरे पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। महात्मा ने कहा, हे देवी। उस लड़के की बात सुनकर उस बत्तख ने कहा कि बेटा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इस तालाब में भटक रही हूं, मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी तालाब में रह रही हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पर जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ बगुला वहां पर पड़ा हुआ था। जब वह लड़का उस मरे हुए हुए बगुले को लांघ कर जाने लगा तो वह मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? उस लड़के ने उसकी आवाज सुनकर कहा कि मैं एक गरीब आदमी का लड़का हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। उस बगुले ने कहा कि तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पर ही पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और पानी की लहर से वापस तालाब के बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है, इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी।
इतना कहकर वह लड़का वहां से चलने लगा और वहां से चलते चलते यमपुरी में पहुंच गया और वहां पहुंचकर यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे यमराज, मेरे पिताजी कहां पर हैं? जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह रोजाना 50 रुपए कमाते थे, जिसमें से 25 रुपए तो दान कर देते थे और 25 रुपए में से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं है तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से मेरे साथ साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर यमराज ने उस लड़के की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम यहां पर बैठो। यमराज ने उस लड़के को अपने पास में बिठाया और उसको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए। फिर उस लड़के को रास्ते में जो जो मिले थे उनके प्रश्न यमराज से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि बेटा, तुम जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाओ। फिर यमराज ने कहा कि बेटा, तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर वह लड़का यमराज को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उसे वही मरा हुआ बुगला मिला जो तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वह मरा हुआ बुगला कहने लगा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा, हाँ, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो, वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा कि बेटा, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम मेरा ज्ञान ले लो। फिर उसने उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उस लड़के को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वह लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते उसे वहीं बत्तख मिली। बत्तख ने कहा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा कि हाँ, यमराज से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। बत्तख ने कहा कि बेटा, अब कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बत्तख ने अपना अमृत उस लड़के को दे दिया और अमृत देते ही उस बत्तख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से वह लड़का वहां से आगे बढ़ने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो राहगीरों के लिए बावड़ खुदवा रहा था। उस किसान ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि आपके घर में एक जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई है, जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे तब तक इस बावड़ में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे पूरा करो, जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है उस पर ध्यान दो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस बावड़ को खुदवाओ। फिर उसके किसान ने कहा कि मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हो, इसलिए बेटा, तुम ही मेरी लड़की से विवाह कर लो। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर उस किसान ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। फिर किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। फिर वह लड़का आगे चला। चलते चलते रास्ते में उसको वहीं इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा कि हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस नागमणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा कि बेटा, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सर्प ने अपनी नागमणि को उस लड़के को दे दिया। नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही आम का विशाल पेड़ मिला जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। उसने पूछा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उसने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा
कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुमने अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुम शिक्षा देने के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन्हीं बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे दो, इसके बाद में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मा ने कहा, देवी, उस लड़के की बात सुनकर उस आम के पेड़ ने कहा कि मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस आम के पेड़ ने उस लड़के को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस आम के पेड़ ने उस लड़के को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। वह लड़का अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया। जब वह लड़का अपने घर पर पहुंचा तो उस लड़के की माँ उसको देखकर बड़े खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, तुम कहां पर चले गए थे और यह लड़की तुम्हारे साथ में कौन है? फिर उस लड़के ने जो भी उसके साथ घटनाएं घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, अब उस लड़के को ज्ञान हो चुका था कि उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते हैं। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उस लड़के को यमराज ने दे दिया। इस प्रकार से महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।